नमस्कार, इस समय हम पाई में पहुंच गए हैं और पाई की अनाज मंडी में हैं। आज आपको बता दें कि गठबंधन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ उसकी रैली है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पहुंचेंगे। तो मेरे साथ जो कांग्रेस नेत्री है सुनीता बतान वो मौजूद है, तो उनसे जानेंगे पुंडरी में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का इलेक्शन चल रहा है। नमस्कार जी। जी मैडम, बताइए किस तरह का, जैसे लोकसभा चुनाव अब तो काफी कम समय रहेगा, किस तरह का यहाँ पुंडरी में बढ़िया माहौल बना हुआ है। सुशील गुप्ता जी का लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, जनता बदलाव चाहती है और जनता बीजेपी के मतलब कार्यों से खुश नहीं है, दुखी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने कागजों में उड़ जा के रख दिया जनता को। जनता पूरी तरह दुखी है। जहां भी मैं तो प्रचार में जाती हूं तो महिलाएं तक भी ये बात कहती हैं कि इसने भगाओ बीजेपी ने, इसने बड़े दुखी कर दिए, और वह हम तो वोट देवा लेकिन वह वोट इसने मोदी ने मशीन पता नहीं क्या कर रखी है, मशीन बदलवाने का प्रयास करो या मशीन में गड़बड़ करा उन ना देखियो पहला। तो महिलाएं भी दुखी है बीजेपी सरकार से, हर वर्ग दुखी है, पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। और जहां तक मैं समझती हूँ कि पुंडरी हल्के में सुशील गुप्ता जी की जीत होगी। मैडम, आप जैसे पुंडरी की बात कर लेते हैं, जो मौजूदा विधायक है रणधीर सिंह गोलन और जो पूर्व मंत्री रहे नरेंद्र शर्मा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। मौजूदा विधायक का तो कोई जनाधार है ही नहीं, वो तो सभी को पता है इस बात का तो, और वो तो उसके तो मतलब वीडियो में भी कहने लग रहा भाई मैं तो वोट भी नहीं मांगता, आप ही दे देंगे लोग वोट, तो मतलब ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलती, मांगनी क्यों नहीं चाहिए? जब समर्थन किया तो वोट भी मांगनी चाहिए, ऐसी बात क्यों करते हैं? और हम तो सारा दिन प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वोट की अपील करते हैं, लेकिन जो लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है सुशील गुप्ता के प्रति, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की वजह से, जैसे आज पाई में आएंगे तो हजारों की संख्या में तो मेरे साथ ही कार्यकर्ता यहाँ पे आए, आप सबने देखा, और आज इतनी भीड़ है जो ये हुड्डा साहब को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए इतनी भीड़ आया। तो वोट भी क्यों नहीं देवेंगे, जब शुभ चिंतक हुड्डा साहब के वहाँ तो वोट भी देवेंगे। तो आपकी बात करें, कितने गांव में आप जैसे चुनाव प्रचार के लिए जा लिए? मेरे तो 54 गांव है, मैं तो 54 के 54 गांव में, पता नहीं मेरे तो कितने कितने चक्कर लगा चुनाव प्रचार के लिए भी, जनसभा भी, और सुख में दुख में सारा दिन मेरा तो काम ही हुई है, गांव में जाने का ही काम है। तो आज कितने कार्यकर्ता लग रहे हैं? 1000 कार्यकर्ता, सबने देखे, सारी पब्लिक ना बड़े ढोल नगाड़ों के साथ आए, पूछ ले भाई 1000 कार्यकर्ता, 1000 कार्यकर्ता लेके आए। तो अगर बात करें पूरे हरियाणा की, क्या कुछ आसपास, तो जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है कहीं ना कहीं टिकटों में भी, और उन्हीं के जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, तो कितनी सीटों को लेकर आसपास? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अब की बार मेरिट के आधार पे टिकटों का वितरण किया जाएगा। यदि मेरिट के आधार पे टिकटों का वितरण किया गया तो सुनीता बतान का टिकट कोई दुनिया की ताकत काट नहीं सकती, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे साथ चलते हैं, चाहे वो कहीं की भी रैली है, और मैं कहने में विश्वास नहीं रखती, काम करने में विश्वास रखती हूँ, और काम जो करता है वो किसी से छुपाया नहीं जाता। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, फेसबुक के माध्यम से सब दुनिया देखती है, आप और आगे भी फेसबुक खोल कर देख लो और मेरे वाली भी देख लो, कौन मेहनत कर रहा हो, अपना दूध का दूध और पानी का पानी सारा छण जाएगा, सारा शीशा सामने आ जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि कौन मेहनत कर रहा है। तो आपकी भी कहीं ना कहीं विधानसभा की तैयारी है? हाँ बिल्कुल तैयारी है, देखो विधानसभा की तैयारी है तभी इतनी मेहनत कर रहे, तभी तो कर रहे, विधानसभा की तैयारी है तभी इतने सालों से 2016 से एक दिन भी गाड़ी का पहिया नहीं रुके, बिल्कुल तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेत्री सुनीता बतान। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।